नौरुणा कांड में आज तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है सीबीआई जांच से। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। नौरुणा कांड में आज तक इंसाफ नहीं मिला है सर, परिवार को सीबीआई जांच का निशान सिंह मामले में कैसे मिलेगा? आप बिहार के डीजीपी हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर? ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको, आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने, इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ आप जो कह रहे हैं। वो आरोपी है सर, वो दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे, आप लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ये नहीं, मैंने कभी नहीं किया, एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर। सर सर किसी पर सुनिए, क्या क्या आपकी भाषा, क्या आपकी भाषा डीजीपी के लायक है? आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। सर अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लोकतंत्र है, कोई किसी पर कमेंट कर सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही है तो बिहार के डीजीपी उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं? देखिए आप इसको निगेटिव अर्थ में मत लीजिए, जैसे मैंने ये भी कहा, आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं, इसको इससे जोड़ करके। मैं बहुत खुश हूँ, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए पर आरोप लगा रहे थे, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोग पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था, और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस को करारा तमाचा बना है, नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़
जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। नौरुणा कांड में आज तक इंसाफ नहीं मिला परिवार को। संजय राउत देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है, पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें अब लगता है खुलेगा। देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है, एक महीना में होगा, तीन महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। नौरुणा कांड में आज तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला है सीबीआई जांच से। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, कुछ किए थे रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री। नौरुणा कांड में आज तक इंसाफ नहीं मिला है सर परिवार को, सीबीआई जांच का सुशांत सिंह मामले में कैसे मिलेगा? ये सीबीआई में हर केस 100 का 100 केस सब केस खुल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सृजन मामले में अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई जांच में। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्षियों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप बिहार के डीजीपी हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर? ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको, आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने, इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है। सर 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 हमको ट्रेनिंग लेकर नहीं भेजा गया सर, मेरा सवाल ये है सर कि नौरुणा का अरे यार जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत में हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी,
तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं आप जो कह रहे हैं, वो आरोपी है सर, वो दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे, आप लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया, एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर। सर किसी पर सुनिए, क्या क्या आप क्या आपकी भाषा क्या आपकी भाषा बीजेपी के लायक है? आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी सर। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सर, लेकिन मैं अपनी इस लाइन पर कायम। सर ये बताइए कि बिहार पुलिस को भी सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार पुलिस में जो FIR किया या जो जांच की वो बिल्कुल सही। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को जो हम लोगों ने लिया था उसको इंडोर्स किया है और केस को CBI को देने का आदेश दिया। हम लोग यही चाहते थे क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये CBI करे। और देश की हम जानते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो, कौन दोषी है कौन निर्दोष है इस पर हम कुछ नहीं कह रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे IPS अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सर लोकतंत्र है, कोई किसी पर कमेंट कर सकता है, अगर रिया चक्रवर्ती CM नीतीश कुमार पर कमेंट कर रही है तो बिहार के DGP उनकी हैसियत क्यों देख रहे हैं? देखिए आप इसको निगेटिव अर्थ में मत लीजिए, जैसे मैंने ये भी कहा, आप देखिएगा कि आदरणीय एक सांसद ने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी कर सकूं, इसको इससे जोड़ करके चले चले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।